कर दूंगी। तो आज के हमारे टॉपिक में सबसे पहले तो जो थ्योरी है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया वो जान लेते हैं। दैट इज अल्फ्रेड वर्नर, इन्होंने ये जो थ्योरी दी, ठीक है। फिर इन्होंने थ्योरी में बताया क्या, कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो इन्होंने कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिए, वो क्या थे, जैसे कि CO Cl3.6NH3, ठीक है। अब ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इन्होंने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, AgNO3 के साथ करवाई। इनको प्रोडक्ट क्या मिला, प्रोडक्ट में हमको मिल रहे हैं 3 moles ऑफ AgCl। कितने मोल्स मिल रहे हैं, 3 moles ऑफ AgCl। अब दूसरा कंपाउंड देख लेते हैं, दूसरा कंपाउंड था CoCl3.5 NH3। इसकी भी रिएक्शन सेम हमने किससे कराई, AgNO3 से कराई। यहाँ पर हमें मिल रहे हैं AgCl के 2 moles मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, ऐसा क्यों, तो इसका भी एक रीज़न है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अगर हम लोग जो प्रेजेंट टाइम में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिख रहे हैं वो कैसे लिखते हैं, जैसे कि अगर हम लोग इसको लिखें तो CO हमारा हो गया सेंट्रल मेटल एटम, देन हम यहाँ पर लिखेंगे लिगेंड को, हमारा लिगेंड क्या है, NH3। यहाँ पर NH3 कितने हैं, 6 हैं, ठीक है, हमारे 6, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये हमारा कैसा ऑक्टाहेड्रल है, तो 6 लिगेंड ही बाइंड करेंगे, और हमने इसे क्लोज कर दिया, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी या स्फीयर क्लोज हो गया। अब हमारा आएगा काउंटर आयन, दैट इज Cl3। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच है NH3, और Cl3 अलग से अटैच है, समझ रहे हो, डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो आयनाइज कौन होगा, हमारा Cl3। अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये 2 पार्ट में आयनाइज होकर ब्रेक हो जाएगा, हमें मिलेगा हमारा केटायन और एनायन अलग हो जाएगा। तो ये देखिए NH3 6, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट, और ये वाला जो हमारा हो जाएगा Cl3 वाला हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट। अब जब ये अलग हुआ नेगेटिव पार्ट, और हमारा Ag कैसा होता है, हमारा Ag प्लस होता है, तो जब ए प्लस होता है तो इसके साथ कौन अटैच हो जाएगा और बना लेगा AgCl, ठीक है। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हमें 2 moles मिल रहे थे, तो क्या करेंगे यहाँ पर कि हमारा CO, देन हमारा आएगा लिगेंड NH3, दैट इज़ यहाँ पर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, लेकिन हमें कितने चाहिए, 6 लिगेंड चाहिए, हमें कितने लिगेंड चाहिए, 6 लिगेंड चाहिए, ठीक है, मुझे तो 6 लिगेंड चाहिए, इसने बोल दिया, तो हमें यहाँ पर कुछ और भी लाना पड़ेगा, तो हमारा जो Cl होता है वो भी तो लिगेंड ही होता है ना, तो हम लोग उसको यहाँ लिख लेंगे 1 Cl, हमारा टोटल कितना हो गया, 6, 5 NH3 और 1 Cl, 6 हो गया। चलिए हमने 6 अंदर कर लिए, बचे कितने, 2, 2 को बाहर भगा दिया मैंने। अब यहाँ पर 2 Cl हैं, तो ये किसके साथ बाइंड करेंगे, Ag के साथ बाइंड करेंगे, और हमको दे देंगे 2 moles ऑफ AgCl। अंडरस्टूड कि क्यों हम लोगों को यहाँ पर 3 और 2 moles मिल रहे हैं, और ये जो AgCl मिल रहा था ये कैसा मिल रहा था, वाइट PPT फॉर्म हो रहा था इसका, कैसा, ये इसको अलग कर पा रहे थे, तो ये इनका एक एक्सपेरिमेंट था। तो लेकिन इनके मेन पोस्टुलेट्स क्या इन्होंने दिए थे वो देख लेते हैं। इन्होंने बताया जो सेंट्रल मेटल एटम होता है हमारा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसकी 2 टाइप की वैलेंसीज आती है। पहली हमारी आती है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी हमारी आती है सेकेंडरी वैलेंसी। बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें, रिएक्शन वाले पार्ट में तो कुछ समझने का ही नहीं है, बिल्कुल इजी है। अब वैलेंसी इसकी बात आ गई, जो प्राइमरी वैलेंसी है ये क्या रेफर करती है, ठीक है, इट रेफर, ये क्या करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर रेफर करती है, ठीक है, और ये क्या रेफर करती है, इट रेफर ऑक्सीडेशन नंबर,
ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो ये हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उससे कोई शेप पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज नॉट डिफाइन शेप, ये कोई शेप डिफाइन नहीं करेगा। और ये क्या करेगा, शेप डिफाइन करेगा। ठीक है, अगर हमारा चार्ज घटता बढ़ता है तो शेप डिफर करता है, तो शेप ये डिफाइन करेगा, शेप डिफाइन। ठीक है, यहाँ पर होगा। देन हमारा थर्ड पॉइंट आ जाएगा, दैट इज कि हम अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को, ठीक है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको शो किससे करेंगे, लाइन से, रिप्रेजेंटेड बाय बाय लाइन। ओके, आपको दिख रहा है। देन हम क्या करेंगे, ये किससे शो करेंगे, डॉटेड लाइन से। कैसे शो करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। ओके, इतना पॉइंट बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा आपको। लास्ट पॉइंट देखते हैं कि इसको सेटिस्फाई कौन करेगा। आकर इसको सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फाई कर सकता है हमारा नेगेटिव लिगेंड। इट विल सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड। और इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, इट विल सेटिस्फाइड by negative as well as neutral ligands। ठीक है, ये हमारा negative से भी चला जाएगा और ये हमारा किससे जाएगा, negative और neutral ligand दोनों से ही satisfy कर सकते हैं। इतना आपको I hope समझ में आ गया कि secondary valency और primary valency में क्या होता है। और एक और point होता है कि ये जो valency हमारी होती है ये non ionizable होती हैं। कैसी होती है हमारी, non ionizable होती हैं। इनको मतलब वाटर में डालेंगे तो ये आयंस में डिसोशिएट नहीं होंगी। और ये वाली वैलेंसी हमारी कैसी होती है, आयनाइजेबल। ठीक है, ये हमारी कैसी होती है, आयनाइजेबल। अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल हमारा क्या है, CO NH3 6 Cl3। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है। अब हम इसका वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है पहले हम लोग इसको, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर तो पता है जो हमारा लिगेंड का जो नंबर बताता है। ठीक है, अगर चाहे दो लिगेंड हो तो उनका नंबर हो तो हम ऐड करके निकालेंगे, या तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो सिर्फ लिगेंड का नंबर दे रखा है वही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि अगर CO NH3 5 Cl, ठीक है, और बाहर Cl2 लिखा हुआ, ऐसा कोई एग्जांपल है। तो अगर हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो 5 को भी ऐड करेंगे और Cl का जो 1 है ना तो उसको भी ऐड करेंगे, तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने भी लिगेंड उन सब का नंबर काउंट करके जो हमारा आएगा नंबर, वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। फिलहाल हम इस एग्जांपल की बात कर रहे थे तो इसी की करेंगे। हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता है इसका क्या होता है, 6। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें इसकी नहीं पता तो निकाल लेते हैं। सी ओ का क्या होता है हमारा, यहाँ पर एक्स लिखेंगे क्योंकि इसी के तो निकालनी है हमको, 6 प्लस 6। और एन एच थ्री पर चार्ज क्या होता है, ज़ीरो चार्ज होता है। प्लस हमारा सी एल पर कितना चार्ज होता है, माइनस वन होता है। तो क्या करेंगे, 3 इंटू माइनस वन विच इज़ इक्वल टू, कोई चार्ज है पूरे कंपाउंड पर, नो, दैट मीन्स ज़ीरो। तो अब हम इस इक्वेशन को कर लेंगे सॉल्व। अब क्या हो जाएगा, जो x प्लस 6 इंटू ज़ीरो दैट मीन्स ज़ीरो, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू माइनस वन, तो हमारा आ जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ 3 इज इक्वल टू प्लस 3। ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करती है, हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, जिसको हम लोग किससे शो करते हैं, डॉटेड लाइन से। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा CO,
लिगेंड अटैच करेंगे हम। कितने लिगेंड है हमारे NH3? 6 है ना, तो 6 जगह हमें से अटैच करना है। NH3, ठीक है। और हमारे Cl कितने हैं? 3, ठीक है। कितने हैं हमारे Cl? 3। हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी आई है? 3। तो यहाँ पर अटैच कर देंगे किससे? डॉटेड लाइन से। आपको हमेशा जो सेकेंडरी वैलेंसी उसे डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है रेडी। तो ऐसे आपको बनाने हैं स्ट्रक्चर वर्नर थ्योरी में। अब हम लोग इसकी लिमिटेशंस की भी बात कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको डाउट है कि जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर था इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, तो वो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पर, वहाँ पर 5 NH3 थे, तो हम लोग 1 NH3 को यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पर Cl लगा देंगे, लेकिन उसे रिप्रेजेंट इसी से करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा ये लिगेंड हमारा प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा है, और जो हमारा सेकेंडरी होगा उसको हम डॉटेड से ही शो करेंगे, ठीक है। लिगेंड को हमेशा हम लोग ऐसे ही शो करेंगे जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी, ठीक है। वर्नर थ्योरी क्या नहीं बता पाती है? जो शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको डिस्कस नहीं करती है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कि वो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तो ये वाला नेचर भी इसमें डिस्कस नहीं किया जाता है। कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है वो भी नहीं डिस्कस करता है ये। और इट डज़ नॉट इन्फॉर्म स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल होता है, लेकिन ये ऐसा कुछ इन्फॉर्म नहीं करता है। तो ये सारी इसकी लिमिटेशंस हैं। इसके बाद और भी थ्योरीज आएंगी, जैसे कि VBT है, CFT है, तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे और उसको भी अच्छी तरीके से ऐसे ही जानेंगे। वो भी बिल्कुल ईजी है, तो आप उसको देखने के लिए वेट करिएगा। मेरे चैनल पर वीडियो जल्द ही अपलोड होगा।